बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ। सर, रिजल्ट पर प्रतिक्रिया जानने से पहले ये बताइए कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि एक बार अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, संजय राउत जी भस्मासुर की भूमिका में इस समय, वो रोज अपनी पार्टी को कहां से कहां बोल बोल के ले गए, ये अच्छी तरह से उद्धव ठाकरे जी जानते होंगे, आदित्य ठाकरे जी जानते होंगे। संजय राउत जी को अब ये देश की जनता जान ली है कि जब बोलेंगे तो ऐसी ही बात बोलेंगे जो नफरत फैलाने वाला होगा, अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अब संजय राउत चौधरी कह रहे हैं कि संजय राउत सही कह रहे हैं और पूरा विपक्ष जो है बैलेट पर चुनाव चाहता है, क्योंकि जर्मनी जैसे बहुत सारे देश जो है बैलेट पर चुनाव अभी भी करते हैं। देखिए, ये लोग जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इनका ठीक हो जाता है, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के बटन को हटा करके उसी में समाधि लेने की स्थिति में चले जाते हैं। मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी का ये नीति नियत देश की जनता देख रही है रविकांत जी, कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश स्वीकार करती है। आज जनादेश स्वीकार करने की बारी उन लोगों को है जो लोगों ने हार मानी है। तेलंगाना में तो जीत गए, तेलंगाना में आ गए, अब तेलंगाना में संभालो। अब तेलंगाना के लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कांग्रेस किस बला का नाम है। मेरा मानना है कि ये जो मोदी जी की गारंटी जो मन में बसी है, मोदी जी का तो बोलना ही गारंटी था, अब मोदी जी लिख के भी दे दिए गारंटी, उसके बाद कुछ बचता नहीं, क्योंकि इस देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में हो गया है। 2024 में 412 से ज्यादा भी सीटें आ जाए, ऑल टाइम रिकॉर्ड बन जाए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो रिजल्ट आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया? उस रिजल्ट को हम भारत की राजनीति में एक नया शुरुआत मानते हैं, जहां भ्रांति फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, जातियों में बांट करके लोगों को वोट मांगने वाले, लोगों के धर्म को चुनौती दे करके राजनीति करने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करेंगे या किसी धर्म को चोट पहुंचाने वाले, ऐसी सारी जो कोशिश करती थी पार्टियां, उनको हटाकर एक नई इतिहास की शुरुआत हुई है, और उस पर हमें राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अपने मध्य प्रदेश को बहुत बधाई। विपक्ष कह रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव रिजल्ट अप्रत्याशित। अप्रत्याशित उनको लगता होगा, लेकिन कांग्रेस ने जब कहा था छत्तीसगढ़ में कि हम महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे, बेरोजगारों को 500 रुपया भत्ता देंगे महीना, और कहने के बाद नहीं किया, तो क्या उसको नहीं समझ सकते कि हमारा कहने के बाद जनता क्या हमको करेगी? आदिवासियों में पैठ बढ़ी है बीजेपी की। आदिवासी समाज बहुत पहले से बीजेपी को प्यार देने लगा है, और ये तो ऐसा प्यार है कि इसके आधार पे 400 पार। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।